हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपू और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं रीड एक्सपेरिमेंट चैनल में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे वैल्यू मशीन, जो कि बहुत ही आसान तरीका होगा। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ पानी और नमक की मदद से आज हम वैल्यू मशीन बनाएंगे और जो कि वह बहुत अच्छे से काम करेगी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब। तो फ्रेंड्स, हमें वैल्यू मशीन बनाने के लिए जो जरूरत पड़ेगी, आपको छोटी बाल्टी ले सकते हैं या ऐसा कुछ ले सकते हैं, यह पानी से भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमको इस पानी में इतना नमक मिलाना है। आप देख सकते हैं यह है 100 से 150 ग्राम नमक है। तो चलिए इस पानी में नमक को मिक्स कर देते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको इतना ही नमक मिलाना है, इससे ज़्यादा नमक नहीं मिलाना है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमने इसमें नमक अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आपको इन दो एक ऐसा नट लेना है और इसको आपने इसमें से लगा देना है। आप देख सकते हैं, आपने इस प्रकार लगाना है और ऐसे ही दूसरा नट लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपने कुछ इस प्रकार का बनाना है। अब आपने इस प्रकार के दो नट लेने हैं और इसमें ऐसे लगा देने हैं। अब आपने एक वायर लेना होगा उस वायर को इस वाशर के नीचे आपने ऐसे लपेट देना है। और फिर इसके ऊपर इसके नट की उपली ये कस देना है। याद रखिए, आपको इसको अच्छे से टाइट कसना है। ऐसा ही हमने इसके साथ करना है। याद रखिए, ये जो वायर है, हमने इसको बिजली में लगाना है। फ्रेंड्स, ये जो वायर हमने ये है, इस वायर को बिजली में लगा देना है। आपने इसको एक साइड पर रख देना है। अब आपने दूसरा वायर लेना है, इस वायर को इसके नीचे कस देना है। उसी तरह इसको भी अच्छे से कस देना है। देखिए फ्रेंड्स, आपने इस प्रकार बनाना है और इस वायर के पीछे आपने अर्थ के लिए एक लोह की पत्ती लगानी है। इसको आप इसके ऊपर रख देना। ये दोनों नट पानी में मिल गए हैं, आप देख सकते हैं। और जो यह वायर था, इसके पीछे अर्थ की पत्ती लगानी है। फ्रेंड्स, इस प्रकार की आपने लोहे की पत्ती लेनी है और इस पर इस वाले वायर को कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं, इस प्रकार आपने अच्छे से इसको लगा देना है। इसको अच्छे से टाइट करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा आधा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इस प्रकार की एक नलकी लेनी है और इसमें यहाँ पर ऐसे छेद कर देना है और इसमें आपने इस नट को लगा देना है।
आप देख सकते हैं, अब जो यहाँ पर जो वायर लगाना है वो हमको अलग से वायर लेना होगा जो कि सीधा बिजली बोर्ड में लगेगा। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसके ऊपर आपने इसको लगा देना है और इसके आपने ऐसी रोड लेनी है जो वेल्डिंग के काम आती है। आप बड़ी रोड भी ले सकते हैं और नीचे से इसको ऐसे बैंड करना है और इसके नट के ऊपर आपको ऐसे लगाना है। आप देख सकते हैं, अब इसके ऊपर इस नट को अच्छे से टाइट कर देना है। कुछ इस प्रकार आपने इसको टाइट कर देना है। आप देख सकते हैं, आपने इस तरह से अच्छे से कनेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका सेटअप समझा देता हूँ। ये जो वायर है आपने इसको बिजली के बोर्ड में लगाना है और जो यह इसका जो ये वायर है ये आपने बिजली बोर्ड में लगा देनी। ये दोनों वायर आपको बिजली बोर्ड में लगा देने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इन दोनों को, एक इसको और एक इस रोड वाले को बिजली बोर्ड में लगाना है और जो यह जो वायर है इसके ऊपर ये जो पत्ती कनेक्ट कर देनी है। अब हम इस पे वेल्डिंग का टेस्ट करके देखेंगे कि यह वेल्डिंग होती है नहीं होती। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए इसका सेटअप कुछ इस प्रकार है। अब हमको ये दोनों वायर बिजली के बोर्ड में लगानी होगी। चलिए बिजली के बोर्ड में लगा देते हैं इनको। आप देख सकते हैं इसमें लाइट आ रखी है। और चलिए अब इसमें वेल्डिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी वेल्डिंग अच्छे से हो रही है।